आई एम डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, यू पीडियाट्रिशियन। दोस्तों, आज मैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक आपके लिए लेके हाजिर हूँ, जिसके लिए मेरे अक्सर पेरेंट्स से काफ़ी डिस्कशन होता है। वो है कि क्या वाकई आपका बच्चा गाय और भैंस का दूध पी सकता है। अभी तक हम लोग बचपने से सुनते आए थे कि दूध एक कम्प्लीट फूड है, दूध हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बट दोस्तों, ओवर द ईयर्स हम लोग ने इस चीज़ को देखा है कि दूध से हमें फ़ायदे कम हो रहे हैं और नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब धीरे धीरे अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, इवन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो अब धीरे धीरे अपने आप को डेयरी प्रोडक्ट से अलग कर रही हैं। बट हमारे हिंदुस्तान में अभी भी दूध को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दी जा रही है, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि दूध हमारी ज़िंदगी के हर इंसान की ज़िंदगी, अगर आप देखें कि मैं समझता हूँ कि इवन चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो, दूध का कंजम्पशन उसके घर में 1 से 2 लीटर एवरी डे ज़रूर है। और कहीं ना कहीं इससे हम लोग इतना जब दूध पी रहे हैं तो फिर हेल्दी क्यों नहीं है, और इतना ज़्यादा माल न्यूट्रिशन और फिर इतना ज़्यादा एनीमिया हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में क्यों है, इसको भी हमें कहीं सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसीलिए आज मैंने इस टॉपिक को लिया है कि हम लोग गाय और भैंस का दूध अपने बच्चे को नहीं पिलाएंगे और क्यों नहीं पिलाएंगे, इसके ऊपर आज हम लोग का डिस्कशन होगा। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग कभी कभी सब्सक्राइब करने का बटन दबाना भूल जाते हैं और लाइक भी मुझे कम मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट दोबारा है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये बेनिफिट पहुँचे। और ख़ास तौर पर इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको पूरा वायरल करें, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक बात हमें यह समझना है कि हम लोग नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते। नेचर क्या कहता है? गाय का दूध आप सोचिए कि भगवान ने किसके लिए या खुदा ने किसके लिए बनाया होगा। गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए बनाया होगा, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए बनाया होगा, और इंसान के बच्चे के लिए उसकी माँ की छाती में उसको दूध दिया गया है। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है, माँ के ब्रेस्ट में मिल्क नहीं रहता है। जिस दिन से बच्चा पैदा होता है, माँ की छाती में दूध उतरना शुरू हो जाता है। तो ये कुदरत का कितना बड़ा निज़ाम है, आप ये देखिए कुदरत का कितना बड़ा करिश्मा है कि उस छाती में जिसमें कभी दूध नहीं था, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन उसमें दूध उतरना शुरू हुआ, और जब तक उस बच्चे को ज़रूरत रहती है, आमतौर पर 2 साल तक ब्रेस्ट मिल्क माँ को आता रहता है। वो अलग बात है कि 6 महीने बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि 6 महीने बच्चा सिर्फ दूध पर निर्भर रहता है। फिर 6 महीने के बाद थोड़ा कम हो जाता है 1 साल तक, और फिर 1 साल से 2 साल में और कम हो जाता है। इससे क्या जाहिर होता है कि 6 महीने तक भगवान ने आपको बहुत ज़्यादा दूध दिया, क्योंकि 6 महीने तक आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ दूध पर निर्भर था। अब 6 महीने के बाद आप उसको सेमी सॉलिड खिलाना शुरू करेंगे, तो जाहिर बात है दूध की मात्रा थोड़ी आपके नेचुरली तौर पर कम हो जाएगी। फिर 1 साल के बाद आपका बच्चा पूरा खाना खाने लगेगा, तो उसको दूध की मात्रा आपके ब्रेस्ट में नेचुरली और कम हो जाएगी, और 2 साल के बाद ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 2 साल के बाद बच्चे को दूध की ज़रूरत ही नहीं है। तो होता क्या है कि हमारा बच्चा जो है वो 5 साल का भी हो गया, दूध पिए चला जा रहा है, एडल्ट भी दूध पिए चले जा रहे हैं, और पूरा हमारा जो समाज है वो दूध के ऊपर लगा हुआ है। और उसके बाद भी आप देखें लोगों में विटामिन डी डिफिशियंसी कितनी कॉमन हो रही है, लोगों में एनीमिया कितना कॉमन हो रहा है। और अगर आप खुद सोचिए कि अगर ये दूध में इतनी ही ताकत होती, इतना ही ये दूध इतना आज तक पौष्टिक होता, तो फिर ये बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स और बूस्ट की करोड़ों रुपए की मार्केट डेवलप नहीं होती। अगर दूध इतना कंप्लीट मिलकर आपस में खुद ही में है, तो फिर हम उसमें हॉर्लिक्स डाल के क्यों पी रहे हैं, हम उसमें बॉर्नविटा डाल के क्यों पी रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को आप लोग बहुत गौर से सुनिए और इसको समझिए कि मैं दूध के खिलाफ अगर रहता हूँ तो क्यों। उसकी वजह यही है कि दूध एक कंप्लीट मिल्क नहीं है। भगवान ने गाय का और भैंस का दूध इंसान के लिए नहीं बनाया है। इसको हम लोग दही के फॉर्म में इस्तेमाल कर लें या पनीर के फॉर्म में इस्तेमाल कर लें, वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर तरीका है इस मिल्क प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का, बजाय इसके कि हम लोग सिर्फ दूध पीते रहें। तो इसके लिए ख़ास तौर पर अब न्यू बॉर्न पीरियड में जो मैंने आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं एक कंपैरिजन दिखाना चाह रहा हूँ कि माँ के दूध में और गाय और भैंस के दूध में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये साफ नज़र आ रहा हो तो देखिए, ये ह्यूमन मिल्क है, ये काउज मिल्क है और ये बफेलो मिल्क है। हमारे मिल्क के 3 जो मेन पार्ट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आप लोग हम लोग देखें कि हमारे मदर के मिल्क में प्रोटीन इज़ 1.2 ग्राम्स, जबकि काउज मिल्क में प्रोटीन 3.5 ग्राम है और बफेलो मिल्क में प्रोटीन 4 ग्राम्स आ रही है। और इसमें भी अगर प्रोटीन के हम टाइप्स देखें तो प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है केसीन और एक होता है वे प्रोटीन। न्यूबॉर्न बच्चा जो है हमारा, जो नवजात शिशु होता है या 1 साल तक के बच्चे में, केसीन प्रोटीन को हजम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इसलिए भगवान ने ह्यूमन मिल्क में केसीन 0.5% दिया है और वे प्रोटीन 0.7% दिया है।
इसके बदले अगर आप देखें तो काउज मिल्क में वे केसिन प्रोटीन 2.8% है और बफेलो मिल्क में और भी ज़्यादा है 3.5% है। तो अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल जो डिफरेंस आ रहा है मदर्स मिल्क में और काउज और बफेलो मिल्क में प्रोटीन का आ रहा है, प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा है और टाइप ऑफ प्रोटीन भी ज़्यादा है। अब अगर फैट कंटेंट पे हम लोग आते हैं तो ह्यूमन मिल्क में फैट कंटेंट 3.8% है और काउज मिल्क में भी 3.7% है, यानी कि फैट कंटेंट में माँ का दूध और गाय का दूध बराबर है। बट अगर हम भैंस का दूध देखते हैं तो इसमें 7.5% फैट है, जो कि बहुत ज़्यादा है और इतने ज़्यादा हमारे बच्चे को फैट की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट पे आते हैं तो मेनली हमारा जो न्यूट्रिशन है वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होता है, तो माँ के मिल्क में 7% कार्बोहाइड्रेट है, काउज मिल्क में 4.8% कार्बोहाइड्रेट है और बफेलो मिल्क में 4.8% कार्बोहाइड्रेट है। तो यानी कि दोस्तों इससे आप लोग को ये पता चलता है कि माँ के मिल्क में जो आपको देखने की अगर ज़्यादा आ रहा है तो माँ के मिल्क में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, और अगर ये प्रोटीन ज़्यादा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दूध की ऑस्मोलैरिटी बहुत बढ़ जाती है, यानी कि जो टोटल ऑस्मोलर कंटेंट्स है हमारे जो काउज में और बफेलो मिल्क में, इसकी ऑस्मोलैरिटी माँ के दूध के हिसाब से तकरीबन दुगनी हो जाती है। अगर मदर मिल्क की ऑस्मोलैरिटी देखें तो तकरीबन 196 के आसपास आती है मिलीमोल पर डेसिलीटर, और काउज मिल्क और बफेलो मिल्क की तकरीबन 390 से लेकर 400 तक आती है। तो अब इस ऑस्मोलैरिटी की प्रॉब्लम क्या होती है, क्या करता है, इसकी वजह से हमारे बच्चे के किडनी के ऊपर बहुत जोर पड़ता है। नवजात शिशु जो इन्फेंट है, एक साल तक के बच्चे की जो किडनी होती है वो बहुत ही नाजुक होती है और इतना सोल्यूट लोड बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसकी वजह से बच्चा बहुत पेशाब करता रहता है, बहुत पेशाब करने से वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो दोस्तों इस बात को समझिए कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। गाय और भैंस का अगर आप अपने बच्चे को दूध दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको आएगी डिहाइड्रेशन की, उसके किडनी के ऊपर जोर पड़ेगा, और तीसरी बात आती है कि गाय और भैंस के दूध में आयरन कंटेंट बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, तो बच्चे सारे एनीमिक होने लगते हैं। तो ये तो सिचुएशन है एक साल के बाद। अब ज़्यादातर अगर आप डॉक्टर से भी डिस्कस करेंगे तो सब लोगों का कहना होता है कि साहब एक साल के बाद आप कोई भी दूध अपने बच्चे को पिला सकते हैं, बट यहाँ मेरा ये मशवरा है अभी भी, मैं सबसे ये कहता हूँ कि चाहे एक साल हो जाए चाहे दो साल हो जाए, जब एक चीज़ आपके बच्चे के लिए बनाई ही नहीं गई है तो आप उसको क्यों देना चाहते हैं। तो मेरा सब माओ से और सारे पिताओं से सब ये मशवरा रहता है, सबको ये मेरा एक एडवाइस रहती है कि भाई एक साल के बाद भी आप गाय भैंस का दूध मत दीजिए उसको, उसको माँ का दूध ही चलने दीजिए और उसको खाने पीने के आइटम्स बढ़ाते जाइए। जब आपका बच्चा दो साल का हो जाता है तब आप दूध उसका बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर उसके बाद माँ ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना चाहती है कि भाई बहुत सीमाएँ होती हैं, बच्चा दो दो साल पीता है, ढाई साल पीता है, तीन साल पीता है, तो पिला सकते हैं, मुझे उसमें कोई इतराज़ नहीं है, बट ऊपर से अब दूध देने की उसको आवश्यकता नहीं है। अब आपके जहन में आएगा कि भाई मैं कैल्शियम सोर्स कहाँ से दूंगा, तो कैल्शियम के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत और सोर्सेज हैं जिससे आपका, जैसे मैंने बताया कि आप दही के फॉर्म में दें डेयरी प्रोडक्ट्स को, बहुत अच्छा सोर्स है दही, कैल्शियम का भी है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें फैट भी है। इसी तरह से आप पनीर दे दें बच्चे को, पनीर बच्चे शौक से खाते भी हैं, पनीर में आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा, पनीर में आपको प्रोटीन भी मिल जाएगी, पनीर में आपको फैट भी मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इंस्टेड ऑफ मिल्क आप अपने बच्चे को दही और प्रोटीन की आदत डालिए, दूध से अपना पीछा छुड़ाइए, दूध आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। ये तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जहाँ पर प्योर आपके घर की गाय और भैंस है, जिनके घर में प्योर दूध मिल रहा है। अब दूसरा सवाल आता है कि एडल्ट्रेशन का। अगर आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये होली के आसपास का सीज़न चल रहा है दोस्तों, आपसे मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आजकल आप अपने बच्चों के देखें, सबके पेट में दर्द हो रहा होगा, सबका पेट खराब हो रहा होगा, सबको दस्त हो रहा होगा, ज़्यादातर को जो लोग दूध ज़्यादा पीते हैं। उसका कारण क्या है कि जैसे ही फेस्टिवल आता है तो डिमांड एकदम से बढ़ जाती है कि अब डिमांड है खोया बनना है, मिठाइयाँ बननी है, गुजिया बननी है, बर्फियाँ बननी है। तो अब क्या हो रहा है कि डिमांड तो साहब आपकी, मान लीजिए अगर आपकी पर डे 100 लीटर की थी पर डे की डिमांड, और होली और दिवाली में वो हो रही है 1000 लीटर की, तो भैया गाय और भैंस को तो नहीं पता है कि फेस्टिवल आ गया मुझे ज़्यादा दूध देना है। तो अब हो क्या रहा है, इसमें एडल्ट्रेशन हो रहा है, ये नकली दूध बनाया जा रहा है। आपने तमाम न्यूज़ चैनल्स पे देखे होंगे वीडियोज़ की वो यूरिया और आपका शैम्पू और उसमें तेल मिलाकर दूध बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ज़्यादातर हम लोग क्या कर रहे हैं, एडल्ट्रेटेड मिल्क पी रहे हैं, हम लोग नकली दूध पी रहे हैं और हमें लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। इसीलिए आप लोगों के आजकल अगर मैं गारंटी से कहता हूँ, मेरे पास रोज़ क्लिनिक में बच्चे आ रहे हैं जिनके पेट खराब हैं, दस्त हो रहे हैं और उनको पेट दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह क्योंकि कहीं ना कहीं वो एडल्ट्रेटेड मिल्क पी रहे हैं। अच्छा, अगर आप ग्वाले के सामने भी निकलवा के ला रहे हैं, तो अब तीसरा जो साइड इफेक्ट मैं बता रहा हूँ कि वो है ऑक्सीटोसिन का।
अब ज्यादातर ये देखा गया है कि जो बच्चे गाय का और भैंस का दूध ज्यादा पी रहे हैं उनमें प्यूबर्टी प्री मेच्योर हो रही है, प्रीकॉशस प्यूबर्टी हो रही है। क्यों? क्योंकि दूध वाले को अगर गाय 5 लीटर दूध देती थी तो अब उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के उससे 10 से 15 लीटर दूध निकलवाया जा रहा है। अब ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन बेसिकली एक हार्मोन है वो जो कि हमारे ब्रेन से निकलता है, जो कि हमारे सेक्सुअलिटी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी डेवलप करता है। तो ये देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा दूध पी रहे हैं और उसमें अगर ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज़्यादा पाई गई है तो उससे लड़कियों में प्रीकॉशस प्यूबर्टी आ रही है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, लड़कों में भी इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। तो दोस्तों समझिए कितना गलत हो रहा है आपके बच्चे के साथ इस दूध के चक्कर में, जिससे कि आपका फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। तो मेरा प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को समझें जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि दूध से अच्छी चीज़ दही है और पनीर है। और अगर आप अपने वेद पुराण में भी देखें, मैं कुरान शरीफ में कहता हूँ, हदीस में देता हूँ, कहीं जिक्र नहीं है कि इवन कृष्णा को भी आप देखिए, भगवान कृष्ण भी बचपन में मक्खन खाते थे, अगर आपको हांडी बनी हुई थी दूध का कहीं जिक्र नहीं कि वो बहुत दूध पीते थे। तो इसलिए कहीं पर भी दूध का जिक्र नहीं आया कि बच्चों को दूध पिलाया जाए। दूध सिर्फ माँ का पिलवाइए और 2 साल तक पिलवाइए, ऊपर से डिब्बे का भी दूध मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बट ऐसे केसेस में जैसे कभी किसी की माँ को बहुत प्रॉब्लम है या माँ की ऐसी दवाएं चल रही हैं जहाँ पर वो नहीं पिला सकते हैं भाई अपना दूध, तो ऐसी स्थिति में आप गाय और भैंस का दूध बिल्कुल मत पिलाइए। ऐसे में माँ के दूध जैसा जो मिलकर फोर्टिफिकेशन से बनाया गया है वहाँ पर डिब्बे का आप पिला सकते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं गाय और भैंस के प्योर दूध के बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। अब 2 साल से बच्चा ऊपर आ गया तो उसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं ऐसे जो दूध जैसे बनाए गए हैं जो कि ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट स्टिल आयल से कि दूध सिर्फ 2 साल तक पिलाइए, माँ का दूध होना चाहिए और बच्चे को दही खाने की आदत डालिए और बच्चे को पनीर खाने की आदत डालिए। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपके जो मिथ्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं दूध को लेके, जो एक बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक वो है कि दूध बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ हद तक वो क्लियर हुआ होगा। अगर ना क्लियर हुआ तो भाई मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। आपके बच्चे के लिए भलाई के बताया गया है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे का भला होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और मेरे इस नॉलेजेबल वीडियो को आप लोगों तक शेयर करें और पहुँचाएँ, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हिम्मत और बढ़ती रहे, मैं और इस तरह के आप लोगों को ज्ञान के नॉलेज देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, अगले वीडियो में फिर बात होगी, बाय बाय।